जी मलिक साहब मनवर अहमद साहब चौरी साहबिन मरहूम का आपने जिक्र किया जो ग्लासगो में के जमात के मेंबर थे जी आ, आपने नंबरा की एक पब्लिक जगह का भी जिक्र किया है जहाँ पर मोहतरम बशीर अहमदारचू साहब ने तकरीर की थी जी आ, मुझे ये इल्म है कि लंदन में भी एक हाइट पार्क है जहाँ पर तकरीर करने का मौका होता है जिसे स्पीकरस कॉर्नर कहते हैं जी जहाँ पर हर शख्स आज़ादी के साथ अपनी बात कर सकता है तो गुजा सदी में वहाँ भी जमाती ने तकलीरें की हैं तो एडम्बरा में भी इसी किस्म की कुछ जगह है हाँ जिस जगह का मैंने जिक्र असल में किया है ना ये <coughs> प्रिंस के ऊपर एक आर्ट गैलरी के मुल्ला का एक खुली जगह है हम उसे स्पीकर कॉर्नर कह सकते हैं या कह सकते हैं तो उस ज़माने में आ, लोग अपने जिस जो जी चाहता था आकर वहाँ तकरीरें करते थे अपने आ, 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 आज़ादी के साथ अपने ख्याल का इजहार करते थे तो सौ साहब भी वहाँ तशीफ लाया करते थे और कुर्सी स्टूल पर खड़े होकर लोगों से खिताब करते थे तो वो हाइट पार्क वाली जो लंदन की वो खासी बड़ी जगह है लेकिन ये आ, उतनी बड़ी नहीं है लेकिन इसका मकसद भी वही था जो हाइड पार्क वाले तो इस जगह बड़े दिलचस्प बातें हो जाया करती थी वहाँ एक दफ़ा यूँ हुआ कि मैं वहाँ से गुज़र रहा था तो एक मम्मर ईसाई पादरी आ, पादरी थे या कोई भी थे अपने स्टूल पर खड़ा होकर तकरीर कर रहे थे और सुनने वाला कोई भी नहीं था अकेले ही थे अब स्क्वायर के पास से ही प्रिंस स्ट्रीट के ऊपर से बसेस गुजर बसेस गुजरती हैं तो वहाँ बस का स्टॉप भी है एक डबल डैकर आकर रुकी तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया और उनसे डबल डाकर से, से खिताब करना शुरू कर दिया अब वो तो शीशा बंद थे अंदर आवाज़ नहीं जा सकती ना तो लेकिन ये है कि उस आदमी का जज्बा वाकई देखने वाला था जी। कि आवाज़ जाए ना जाए मैंने अपना पैगाम पहुँचाना है तो ये भी एक काबिल तारीफ चीज़ है तो अपने आज़ादी ख्याल का इज़हार वहाँ लोग करते थे और अब तो वैसे सूरत हाल नहीं लेकिन लेकिन उन दिनों के ग्रुप्स और बाइबल स्टूडेंट बाइबल के स्टूडेंट्स भी आकर तक सुना करते थे और ख़याल का इजहार भी करते थे जी तो उस वक्तों में कोई उन वक्तों में कोई आपको भी कोई तकरीर करने का वहाँ पर मौका मिला बाकायदा तौर पर तो तकरीर का मौका नहीं मिला लेकिन ये है कि जब आर्टिस को तकरीर करते थे या कोई और शख्स वहाँ तकरीर करता था तो तकरीर के बाद या तकरीर के दौरान बाज़ का शुरू हो जाती थी तो उसमें फिर बाद में मजमा लग जाते जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना उसमें फिर गुफ्तु करने का मौका मिल जाता था ये। जी जी तो उस वक्त के कुछ चंद कोई हमें भी सुना नाजरीन ज़रूर माजूज़ होंगे उस वक्त की तारीख़ में वहाँ पर जो बड़ा, थी बड़ा दिलचस्प सवाल है <laughs> क्योंकि बहुत से वाक़ हुए हैं एक वाक़ मैं ज़िक्र कर देता हूँ और ये है कि एक दफ़ा मैं उस उसी के पास से गुजर रहा था तो मैंने एक मबर शख्स को देखा साई था तो अपने स्टूल पर खड़ा हुआ ख़िताब कर रहा था बाइबल की तारीफ में बातें कर रहा था गुफ्तू कर रहा था काफ़ी लोग जमा थे तो मैं तो वैसे ही यहाँ गुजर रहा था पास से तो मैं ठहर गया मैंने कहा देखा क्या बातें करते क्या ये कहते हैं आपने तो मैंने देखा कि उसी मजमा में एक नौजवान अरब मुसलमान लड़का भी खड़ा था तो मेरा अंदाज़ा है कि जब उसने उस मफ्स ने हमें देखा दोनों को तो उसने उसने अंदाज़ा किया कि हम मुसलमान हैं तो उसको हमें देखकर थोड़ा सा जोश आ गया उसे तो उसने कहा कि बाइबल की तालीम इतनी उम्दा है कि इसको कोई मुकाबला नहीं कर सकता और चूंकि हमें देख लिया था कह इस्लाम भी नहीं कर सकता अब मैं तो इस फर्ज़ के लिए ले गया था मैं तो वो ही गुजर रहा था लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैंने ये समझा कि अब फ़र्ज़ हो गया कि मैं इसका जवाब दूँ चनाच मैंने उन्होंने कहा कि क्या आपने कभी कुरने करीम देखा है पढ़ा है कहने कहा नहीं तो मैंने कहा कि जिस किताब को आपने देखा नहीं है आपने पढ़ा नहीं है तो आप किस तरह कह सकते हैं कि वो उसकी तालीम जो है कर, उसका मुकाबला बाइबल से कर सकते हैं तो बजाय इसके कि उसने मुझे कहा कि यानी उस शख्स को भी देखा और मुझे भी देखा कि आप मुसलमान हैं तो मैंने अंग्रेज़ी में कहा यस बाई द्रिएस ऑफ गॉड इस पर उसने बड़ी तंजी लफ्स में अल्फाज में अंदाज़ में बल्कि पूछा कहा कि क्या कुरान शरीफ़ में कहीं ग्रेस का लफ्ज़ है भी? अच्छा यानी इस क़दर वो से भरा हुआ तो सबसे बढ़ असल में वो बाइ वो और बाइबल के स्टूडेंट्स जो आया करते थे दे आर ट्रेंड टू तो हेट इस्लाम ये सूरत हाल थी तो बरल मैंने भी आ, उसने तो ये, आ, ये, आ, उसने ये पूछा कि आप मैं क्या कह रहा था गया कुरान आप कैसे कर सकते हैं, तो उसने हैं ग्रेस हाँ 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 ठीक है भाई ग्रेस, हाँ तो ग्रह का लफ्ज़ भी वहाँ मौजूद है कि नहीं तो उसने फिर जब मैंने उसने कहा अपने, अपने कुरान से पढ़ा या देखा तो उसने कहा नहीं तो फिर उसने बात को टालते हुए किसी दूसरे रुख बात का फेर दिया तो वो जो नौजवान अर मुसलमान खड़ा था वो उसने मेरे तरफ इशारा करके उसको कहा कि इसके बाद का जवाब दो पहले उसके भी जोश आगेरा लेकर वो जो उसने कहा है कि आपने कुरान शेप पढ़ा उसके बाद का जवाब दो तो ये तकरीबन कौन सा सन था ये, ये ये की बात कर करिए ना ये, ये डायरी से लेकर मैं बता सकता हूँ उन्नीस सौ सत्तर ये अंदाजा उन्हें याम का जिक्र है सत्तर लेकिन ये है कि मैं आ, अगली दफ़ा किसी और मौका पर मैं आपको बता सकूँगा कि कौन अब वो उससे कुछ गुस्सा आ गया उससे उसको क्या लगा अगर आप तकरीर करना चाहते हैं तो अपना अलग स्टेज बना लें वहाँ जाकर तकरीर करें अच्छा। लेकिन लोगों ने उस भी दिखाई कि वो बजाय उसके तकरीर सुनने के मेरे को जमा हो गए अच्छा। अब वो सारा मजबूत वो मेरे को जमा है और वो अकेला खड़ा है उसके साथ कोई भी नहीं यहाँ तक ये हुआ कि वो स्टोर से उतर कर वो भी मुझमें में शामिल हो गया मुझे मेरी बातें सुनने के लिए तो ये एक सूरत तकरीर की बन गई और इस तर, इस तरीके बादलम केदनत तरीन गुलाम को यह मौका मिल गया कि इस्लाम के पगाम लोगों को तक पहुँचा सके जी जी जाख्मल्ला उम्मीद है कि नाजरीन ज़रूर इस बात को सुनकर माजूज़ हुए होंगे तो मरक साहब आप अपनी डायरी के मुताबिक इस वक्त 14 जून 1970 तक पहुँचे हैं जी। तो इसके साथ जुड़े हुए वो वाक़ भी जो तारीख़ का हिस्सा हैं उसमें से कुछ अगर आँखों देखा हाल अपनी डायरी के लिहाज से मैं बताएँ तो जी उसी के दरअसल उसी के तसल्सल में मैं चल रहा हूँ तारीख़ बार ताकि वो तमाम कस्म के वाक़ तारीख के अतबार से उसी तरीके से तरतीब के साथ आते चले जाएँ और अल्लाह तब आपका भला करे नौ मार्च को उन्नीस सौ इकहत्तर को इमाम मस्जिद लंदन मोहतरम चौधरी शरीफ हम सब सब्बाजा उस वक्त वो थे इमाम और नायब इमाम मोहरम अता मुजीब राशिदे और एक और दोस्त थे मुझे उनका नाम याद नहीं यादिन उनके साथ थे आ, और गलास्को से आर्चर साहब उनके शामिल हो गए डॉक्टर सईद अहमद खान पहले एडर्मा में थे तो ये सब मिल के मेरे यहाँ जाम रिहाइश के तशीफ लाए वो पहले पहले में था वो लंदन से आए इमाम साहब लंदन से आए नायब इमाम साहब लंदन से आए तीन तीन अश लंदन से आए आर्टेस ऑफ गलास्को से और डॉक्टर सईद खान तो हमारी जमात के पहले मेम्बर थे लेकिन मेरे हम इकट्ठे बैठे और आप सब डबरा में बैठे हैं जी डबरा में बैठे मेरे मकान पर जो मेरा किराए का मकान था सेवनटीन लंडन स्ट्रीट वहाँ फिर हम हमने खाना इकट्ठे खाया जो मेरे अलिया अबू श्राफीज ने बड़े बड़े इनमा के शौक़ से पकाया था तो उस मौके पर मुझे याद है एक फ़ोटो भी खींचा गया था अब वो मेरे पास तो नहीं है आ, मैंने कोशिश की हासिल करने की लेकिन फिर भी जारी रखूँ अगर मिल गया तो वो तारीख़ी फ़ोटो है कि जब वो बाजवा सफ़ेम से यहाँ के बात छोटी छोटी बातें बीच में आ जाती हैं आ, उनका ज़िक्र अगर जो बड़े ज़ाती तौर पर है लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ बातें जुड़ी होती हैं जैसे तेईस मई उन्नीस सौ सतर को मेरी छोटी बेटी थी मनसूरा उसकी बिसमिल्ला हुई पौने चार साल की थी तो उस में शमूली के लिए आर्चड साहब ग्लासगो से आ, तशरीफ़ लाए और उनके अहलिया कांता आर्चर्ड वो भी वो भी आईं और उनके दो बेटियाँ आबिदा और नासरा वो भी शामिल हैं और मुनवर साहब भी अपनी फैमिली के साथ आए और एडरबा के अवलिन अहमदी चौधरी नूर अहमद साहब भी अपनी अहलिया समेत उसमें शामिल हुए थे मुझे याद है और मिसज़ कांता आर्चर्ड ने बच्ची को कायदा इस कुरान शुरू करवाया था ये भी एक लजना के साथ तल्लक रखना मेरी तारीख है कि वो शरीफ लाए और उन्होंने मेरी बेटी के कि बसमल्ला में बल्कि बसमल्ला करवाई जाए उसके बाद सत्रह जून उन्नीस सौ तिहत्तर की तरफ आ जाते हैं कि आर्चर साहब और मुकरम रशीद सा, रशीद सफ़र वो जर्नलिस्ट थे मरहूम और एक थे बशीर सब सिविल इंजीनियर थे बड़े जोशीलेमदी थे फिर आर्चा साहब के साहबजादा नसीर अहमद आर्चर्ड थे ये ग्ला, ग्लासगो से एड्रेस आए मेरे पास और हम सब मिलकर प्रिंस प्रिंसूट के उसी पेकिस्ट के एड्रेस जिसका मैंने पहले जिक्र किया है और आर्चा साहब ने लोगों को लोगों से खिताब किया और जब आर्चा साहब की एड्रेस ख़त्म हो गया तो फिर हम मुख्त जगहों पर बिखर गए और लोग हमारे जमा हो गए इस तरह हमें ग्रुप ग्रुप गुर, बनकर हाँ कई घंटे तक तब तब्री इस्लाम का मौका मिला जी। जी। तो आपकी बातों में मुकर्रम बशीर अहमद आचर साहब का जिक्र बार बार आता है तो आपने काफ़ी वक्त उनके साथ लगता है गुजारा है तो उनकी आदत और अखलाक और कुछ वाक़ अगर उनके बारे में अगर हमें बता सकें तो क्यों नहीं ये तो मेरा ये तो मेरा पसंदीदा मजबूर है बहुत और लेकिन वक़्त का लिहाज रखते हुए मैं सिर्फ़ एक दो बातें अर्ज कर सकता हूँ वो बहुत साफ गो और बहुत सीधी बात करने वाले शख्स थे अक्षर साहब उनकी तबीयत कदर संजीदा थी इसलिए वो खुली जगह पर यानी पब्लिक जगह पर तकरीर करना पसंद नहीं करते थे दरअसल फरमाते थे कि पब्लिक जगह में तकरीर के दौरान तबर करने वाले और आवाज़ें कसने वाले लोग भी होते हैं हर किस्म के लोग होते हैं अपनी मर्ज़ी पर जो चाहे कहते वो रोक तो नहीं सकता स्पीकर यही तो आज़ादी है जो मर्जी जैसे वो कहते हैं ना हाइट पार्क पे गालियाँ भी छक दो जो मर्ज़ी करो कोई किसी को हाथ ना लगाए जी तो ज़ुबान से जैसे मर्जी मर्जी इजहार करो तो इस लिहाज से वह साहब इस किस्म की पब्लिक जो को पर तकरीर करना पसंद नहीं करते तो उनको हाल के अंदर जहाँ इन्वाइटेड लोग उससे उनको तकरीर करना बहुत पसंद था और लेकिन फिर भी अपने तभी पर तबीयत पर जबर करके ना वो तबलीग इस्लाम के खातर माम जाया करते थे मैं फील करता था कि वो उसको पसंद नहीं करते वैसे उनकी आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी जोर लगा कर अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाते थे बड़ा बड़ा ज़ोर लगा कर एक दफ़ा उन्होंने इसी स्कैर में लोगों को बताया कि हमें नूर जो है वह मशरक़ की तरफ से मिला है और जीसस क्राइस्ट भी मशरक़ के बशद थे उनको आर्टिस को जो मशहूर लोग मशाहिर इनकी अखबार जमा करने का बड़ा शौक़ था और वक्तन वक्तन उन दिन वो आहमदिया गज़ट यहाँ से निकाला करते थे गलासकों से खुद ही वो साइकिलोस्टाइलों से मान्य होते थे हाथ से प्रिंट करते थे कभी दो सफ़े का होता कभी तीन चार सफ़े का होता था तो उसमें वो अखबार शाया किया करते थे वो अच्छे शायर भी थे आ, उनके कई नज्म हैं जो उन्होंने मुझे लिख कर भिजवाएं वो इन किसी मजलिस में आ, 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 कोई नमूना तो मैं आ, सुना दूँगा वो मेरे पास मौजूद हैं नपोलियन बोनापार्ट का मतलब बहुत हालांकि अच्छा। वो अंग्रेज़ों के मुखालिफ था लेकिन उनके बहुत उन, उन उनके पसंदीदा शख्सियात में से था जी। उनके आपने ताकि ये थे कि नपोलियन दरअसल मुसलमान हो गया था अच्छा और एक दिन मुझे कहने लगे आज मेरी उम्र उतनी होगी जितनी नपोलियन की थी अंदाज़ा होता है कि उनको उसकी तारीख उसकी लाइफ पढ़ने का काफ़ी मौका मिला और उन उनसे बहुत मुतासर थे जमाती अखराज के मामले में मैंने देखा है कि वो बहुत मोहतात थे मशीन हाउस के कमरों में लगे जो हीटर्स होते हैं ना रोशनी वगैरह के बिजली का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करते थे उनको ये फिक्र होती थी कि खर्च जमात का हो जाए हर वक्त उनको फिक्र रहती थी और इसके लिए वो जाती तौर पर तकलीफ़ भी उठाते थे बहुत ज़्यादा ठंड में भी बैठे रहते थे और उन्हें मुख्तलिफ़ के ममालिक्टम्प कलेक्टर होते थे टिकट जमा करने का शौक़ था किस लिए शौक़ था वो उनको जमा करके उनको फरोख करते थे और वो सारी रकम जमात को देते थे ये मुझे और जमात के तरफ से उन्हें जो गुजारा अलाउंस मिलता था उस पर एक बहतरीन की वसीत उन्होंने की हुई थी और फिर मैंने उन्हें कभी क्या क्या लिखा कर हंसते नहीं देखा हाँ मज़ा वगैरह सुनकर बहुत दिलकश अंदाज से मुस्कराया करते थे वो एक दरवेश सिफ इंसान थे दरअसल और सही और सच्चे मनों में सही और सच्चे मैनों में वक्त ज़िंदगी थी आज उनकी बातें करते हुए मुझे यूँ महसूस होता है कि उनके आंखों देखे हालात और अखलाक और एतवार के ऊपर मैं एक जैसे शौक है एक अलहदा किताब लिखी जा सकती है जी चाहता व लिखो जी जी राहुल बशीर साहब के हालात और उनके इखलाकवार और, और वाक़ा सुन के नहायत लुफ्फ आया और हमारे नाजरीन भी यक़ीन सुन के अपने ईमान में एक वलवला और जोश महसूस करेंगे तो किसी मौके पर हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप का इस्लाम में शामिल होने का वाक्य क्या था और आपकी जो तबलीगी सरगर्मियाँ थी उसके क्या हालात थे आप इन शह कभी लिखेंगे उनको भी तो इस सिलसिला में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस पर बहुत से मजामी के अपने लिखे भी हुए हुए मजामी छाया हुए हैं बल्कि किताबें भी हैं उनकी लाइफ पर कसरत से किस तरह वो मुसलमान हुए किस तरह जमात अमदे में दाखिल हो किस तरह लेकिन जो वो बातें जो मुझे लमे तौर पर मैंने अपने आंखों से देखी हैं और अपने कानों से सुनी है यानी कई साल का ऐसा जो मैंने उनके साथ गुजारा है वो किसी के पास क्योंकि हर एक अपना अपना होता है जिनके साथ उन्होंने तो बातें की उनको पता होगा लेकिन जितने रिहाइश जितना आरसाओ हम इकट्ठे रहे हैं और जो जो कुछ मैंने उनके मतलब देखा है ए, उसको इन बयान करने की कोशिश करूँगा और भी ये तो एक दो मिसालें दी हैं आगे जो डायरी आगे चलेगी ना तो कई वाक़ और भी हैं मुझे अभी तक याद है एक दफ़ा वो एडम स्कूल में मैं भी साथ था हाई uh, स्कूल में इनवाइटेड थे तकरीर के लिए जी तो तकरीर के दौरान जब तकरीर उसमें उस भी थे और सीनियर स्टूडेंट्स भी थे तो जब तकरीर ख़त्म हुई तो सवालत का सिलसिला शुरू हुआ एक नौ नौजवान ने कहा कि आपने कहा है पाँच वक्त नमाजें पढ़ना और ये और ये तो, तो ज़िंदगी को कैसे इन्जॉय करें इंसान आप तो सारा दिन यही काम करवाते रह गए उन्होंने <laughs> उसने ये सवाल कर दिया तो उन्होंने कहा देखो मैं पाँचों वक्त नमाजें पढ़ता हूँ और ज़िंदगी को सब फुल इन्जॉय करता हूँ यानी फुटबाथ भी देखता हूँ सब कुछ करता हूँ हर चीज़ इन्जॉय करता हूँ लेकिन नमाज़ में पढ़ता हूँ मुझे आप देख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ा बल्कि फायदा ही फ़ायदा तो ये भी वो जवाया याद है इस किस्म के कई वाक हैं जो जी तो माशा इस्काटलैंड की जमात इस लिहाज से खुशकस्मत जमातों में शामिल होती है कि हमें मुकरम बशीर अहमद आर्चर जैसे मिशनरी बीस साल के अरसे तक के लिए मैसर रहे और उनके साथ रहते हुए हमने अपनी तरबियत की तो मरक साहब अब आगे चलते हैं आप अपनी डायरी के अंदराजात के मुताबिक सत्रह जून उन्नीस सौ तिहत्तर तक पहुँचे हैं तो तीन साल का अरसा हमने इसमें आज गुफ्तु में शामिल किया है तो उसमें कुछ एक दो बातें बयान कर दें जा, एक बात तो मैं पहले बयान कर चुका हूँ जो शुरू में नमूना के तौर पर कहा था कि डायरी का एक नमूना बताता हूँ वो छः जुलाई उन्नीस सौ तिहत्तर का वाक़ जो जिसमें मैंने जिक्र किया था कि मारिशस का एक शख्स मुसलमान हुआ और फिर आ, उससे पहले एक घाना के तलब इम ने बैत की और आर्चर साहब ने दरअसल प्रोग्राम ये बनाया था कि हर तीन महीने में दो अफराद को जमात में दाखिल करना है तो बहुत खुश थे कि उन्होंने बस तीन महीने में दो अफराद को जमात में दाखिल कर लिया आ, वैसे सत्ताईस दिसंबर को ये नाइनटीन सेवेंटी थ्री की बात है आर्टर साहब अपनी बेटी अजीज़ा आबदा को लेकर हमारे यहाँ तशीफ लाए ग्लासगो से आ, और मेरी बेटी अजीज़ा नजमा जो है उसको साथ लेकर वो दो तुर्की घरानों में तबलीग कर लिए क्योंकि माँ भी थी तो तुर्की घरानों में तबलीग के ले गए तो इन बच्चियों को साथ ले गए एक तर इस मौक पर एक तुर्क टर्किश खातून हनीफिया निपै हुई ये भी ख़ुशी की बात थी उसके बाद फिर वो आप व, ग्रास को वापस ले गए लेकिन उनकी बेटी आपदा क्रिसमस की तातीलत में ए, एक हफ़्ता उन्होंने हमारे यहाँ क्याम किया क्योंकि हमारे फैमिली रवाबत बहुत थे आना जाना बहुत बड़े बेतकल एक साथ एक दूसरे तो बड़ी बड़ी बात से का ऐसी है अब वो इसके लिए इतना वक्त चाहिए दरअसल में दरअसल आशिता बज दफ़ा इख्तलाफ भी हो जाता है कोई आदमी अखर जितनी बड़ी जमात होती चली जाती है लोग आपस में बाज़ात किसी का Uh, कोई इख्तलाफ हो जाता है कुछ नाराज़गी भी हो जाती है दिल से नहीं होती वैसे मतलब ऊपर से हो जाती है तो पता नहीं जिक्र uh, करूँ कि uh, एक दोस्त थे जो दिल uh, का कुछ थोड़ा सा कभी कभी इख्तलाफ हो जाया करता था आरची साहब से मैं एक एक मज़ेदार दिलचस्प बात सुनाता हूँ तो आरचो साहब के हाँ एक बिल्ली थी बड़ी ख़ूबसूरत बिल्ली थी तो चूँकि कुछ आर्टर सब से इख्तिलाफ था इसलिए वो उनको बिल्ली नहीं अच्छी लगती थी <laughs> और मुझे बड़ी अच्छी लगती थी तो इस मौके पर मेरी बीवी जो बश्र हाफीज उन्होंने ऐसी दिलचस्प बात जैसे दी यकदम ऐसी बात करते कि मुझे आज तक बड़ा मज़ा आता है वो कहने लगे कि आपको आर्चर साहब की बिल्ली इसलिए पसंद आया कि वो आर्चर साहब की है <laughs> और उन साहब को वो बिल्ली इसलिए नापसंद है कि वार्चर साहब की <laughs> है तो, तो मुझे बड़ा मज़ा है तो ऐसे दिलचस्प बातें हुआ करती थी आ, कभी कभी आ, जब वो तबीयत में उदासी महसूस करते थे वो फिर मेरे पास आ जाते थे एक दफ़ा हल्की हल्की बारिश हो रही थी तो फिर टेलीफोन आया कि मैं आ रहा हूँ तो बाहर चलेंगे तो आ गए अब हल्के के बादशी अब उनके तबीयत थी ऐसे अब वो पता नहीं किस वजह से वो उनको तबीयत मेरे चाहते कि मैं मिलूँ सुना चाहिए वो आ गए कहें चलो पैर चले हम दोनों गए बाहर तो बैग पर कंट्री साइड पर वो रस भरी के वो फ्रूट वो लगा हुआ था तो वो उन्होंने इकट्ठा किया और वो कहते मैं इसलिए ये इकट्ठा करता हूँ मैं जाकर उसका जैम बनाऊँगा तो ये भी उनको शौक़ था नहीं। नहीं। फुटबॉल खेलने का बड़े लतीफे भी हो जाते थे जैसे <laughs> कहा मैं पहले पहले मकान पहले पहले किराया पे आया था जिससे मैंने जिक्र किया दो लिंक कराया था तो जिनका मकान था उनकी वो जो लैंड लेडी थे वो है तो पाकिस्तानी थे तो उनको पता लगा कि ये मुबलग हैं मुसलमान मुबलग हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो कहने लगे कि मैंने उन्होंने कहा कि ये हमारे मिशनरी हैं बशीरहमद चट और यहाँ तीफ लाए यहाँ एक फ़ुटबॉल का मैच है बड़ा और ये शौक़ रखते हैं वो देखने के लिए आया तो पंजाबी में कह लें कि हाँ मौलवी होकर फुटबॉल देख दे <laughs> तो ये कि मौलवी साहिबान को ये जो मजहबी लोग होते हैं उनको हर चीज़ हरावज होती है इस तरह उनके इससे इजहार किया तो ऐसे किसी कई किस्म की छोटी छोटी बातें जो साथ साथ याद आती जाती है और इन शाल मेरा खाले लोड्स सामने रख कर ना एक एक लाइन का तो फिर वो सारा वाक़ याद आ तो जाता जे, जे, है तो बात इस वक्त में हाजिर है हासिल ही है जी जी जकुमुल्ल हाँ साहब मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने नहायत कीमती वक्त में से आज दोबारा हमारे साथ रिकॉर्डिंग करवाई और नाजरीन आज हमने तारीख़ अहमदियत के ताल्लुक से एक और नशस्त में स्कॉटलैंड की इब्तदाई तारीख़ के कुछ वाक़ मोहतरम साहब से सुने जिनका आगाज़ उन्नीस सौ सत्तर से ले कर तकरीबा उन्नीस सौ तिहत्तर तक होता है बयालीस साल की मलिक साहब की ज़िंदगी को एक नशस्त में या दो में अहातए तहरीर में लाना या रिकॉर्ड करना मुमकिन नहीं है इन किसी और वक्त में हम मलिक साहब के साथ या किसी और जमात के स्कॉटलैंड के बुज़ुर्ग के साथ बैठ कर इसी मौजू पर तारीख़ अहमदीत के मौजू पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम का नाम था आँखों देखा माजी जो मोहतरम मलिक साहब की यादाश्तों के ऊपर मबनी था ज़ोरों ने अपनी डायरी पर रोज़ बरोज़ नकल की लिहाजा मुस्त समझी जा रही हैं इंशाल्लाह हम किसी और वक्त में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इसी तरह का एक प्रोग्राम ले कर आएँगे जिसमें माजी की यादों को हम दोबारा आपके सामने पेश करेंगे तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं एम टी ए यू के के इस्काटलैंड स्टूडियो से खुदाफ़ि असलकम वरम वक्